आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 2 नवंबर 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम द्वारा की गई है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के मानविकी विद्या शाखा के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय आता है, जिसके विषय में चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अर्थशास्त्र, पहले हम ये लेक्चर मैं उन लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया हूँ जो अभी तक अर्थशास्त्र की ABC भी नहीं जानते हैं। वो जब BA में आए हैं तो उनका इंटर में अर्थशास्त्र नहीं रहा हो, न जानते रहे हो, या कभी पढ़ा ना हो, या फिर वो MA में आ गए हैं तो उनका BA में अर्थशास्त्र के रूप में एक विषय नहीं रहा है और वो अर्थशास्त्र के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं विशेषकर ऐसे ही लोगों को ध्यान में रख के आज इस लेक्चर को अपने तैयार किया हूँ और मैं इसीलिए इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो रखा हूँ अर्थशास्त्र परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। पहले हम जैसा कि अर्थशास्त्र के विषय में अर्थशास्त्र, पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे या अशाब्दिक परिभाषा पे आते हैं। अर्थ, अर्थशास्त्र संस्कृत शब्दों अर्थ जिसका मतलब होता है धन, रुपया, पैसा, संपत्ति, और शास्त्र, शास्त्र मतलब किसी भी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र, अर्थ यानी धन और शास्त्र मतलब ज्ञान, तो शाब्दिक अर्थ हो गया धन का अध्ययन, अर्थशास्त्र मतलब धन का अध्ययन। अब जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र आर्थिक एजेंटों के व्यवहार और उनके मध्य अंतर क्रियाओं पर केंद्रित एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करता है। उत्पादन जैसा कि आप समझ रहे हैं, किसी भी वस्तु या सेवा को मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए निर्माण करना ही उत्पादन होता है, और वितरण सभी लोगों में, सभी वर्गों में, सभी समाज में समान रूप से वितरित करना, बांटना, वितरण हो गया। विनिमय यानी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, इनसे उनको देना ही विनिमय हो गया। और उपभोग यानी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की वस्तुओं सेवाओं के गुण को उपभोग के लिए, अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करना, उपभोग हो गया का अध्ययन करता है। और यह इस बात का भी विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। अर्थशास्त्र की समझ हमें ऐसे विकल्प चुनने में मदद करती है जो हमारे सर्वोत्तम हित में हो। प्रयास व संतोष के स्तर आर्थिक सिद्धांत और व्यवहार में सभी आवश्यक पूर्वाग्रह हैं। इसके साथ ही उन वस्तुओं व सेवाओं पर चुनाव करने से संबंधित हैं जो अर्थव्यवस्था में बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन वस्तुओं व सेवाओं को सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके से कैसे उत्पन्न किया जाए और इसके विस्तार को कैसे सुनिश्चित किया जा सके। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि लोग अपनी असीमित मांगों को पूर्ण करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। सीमित संसाधन मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो कभी न कभी खत्म हो जाएंगे, वो चिर आयु नहीं है, स्थायी रूप से हमें हमेशा उपलब्ध नहीं रहेंगे, वो सीमित है और समय आने पर जैसे जैसे उनका उपभोग बढ़ता जाएगा वो समाप्त हो जाएंगे। असीमित मांग करने के लिए संसाधन उपयोग कैसे करते हैं। मनुष्य के लिए उपलब्ध समय और धन की मात्रा परिमित है, अर्थात सीमित है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी संसाधन चिर स्थायी रूप से नहीं रहेगा या हमेशा नहीं उपलब्ध, यदि उसका उपयोग हम कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जबकि संसाधन हमारे लिए समाप्त हो जाएगा। उसके लिए, अतः मनुष्य के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने समय यानी अपने समय और संसाधनों को इस तरह से आवंटित करे, उपयोग करे कि उनका सर्वोत्तम उपयोग व उत्पादन हो। हम सभी जानते हैं कि अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न रहते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, चिकित्सा, खेल, शिक्षा आदि सेवाएं, और व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि की आवश्यकता। हमारी क्रियाओं में
मुद्रा की सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। हमारी क्रियाओं में प्रमुख रूप से दो बातें देखने को मिलती है। पहली, हम सभी जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी क्रिया में संलग्न रहते हैं, और दूसरी, काम के बदले में जो आय प्राप्त होती है उससे हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। आय प्राप्त करने तथा खर्च करने की इस क्रिया को आर्थिक क्रिया करते हैं। अतः क्रिया से हमारा आशय उस क्रिया से है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अब आते हैं अर्थशास्त्र के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई, यानी विभिन्न विद्वानों अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को किन किन रूपों में देखा है, कैसे उन्होंने अर्थशास्त्र को समझा है, इस पर विचार करते हैं। पहले हैं इसमें प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिनको कि अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, यानी कभी कभी कहा भी जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ हमें धन का अर्थ केवल समृद्धता या मुद्रा की प्रचुरता तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि व्यापक रूप में धन का अभिप्राय उन सभी पदार्थों से है जिनमें मानवीय जिनमें स्वल्पता और उपयोगिता है। स्वल्पता वही मतलब जैसा अभी चर्चा हम लोग पहले कर चुके, कोई भी संसाधन हमारे लिए चिर आयु या हमेशा उपस्थित रहने वाला नहीं है, वो जैसे जैसे उसका उपभोग बढ़ता है वैसे वैसे समय आने पे वो संसाधन हमारे लिए समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। तो इसीलिए उसमें सीमितता और उपयोगिता, उसमें मानवीय आवश्यकताओं को की जरूरतों को पूरा करने की उपयोगिता है। अब डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में धन के साथ साथ मानव कल्याण के महत्व को शामिल किया तथा बताया कि धन तो साधन मात्र है जिसकी सहायता से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब यहाँ इन्होंने डॉक्टर मार्शल ने मानव कल्याण को विस्तृत पे ज़्यादा फोकस किया है। तो मानव कल्याण यानी समाज में सभी लोग रहते हैं, तो जो भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, क्या उनसे मानव जीवन को कुछ फायदा हो रहा है? डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र को इस रूप में देखा है, क्या समाज के सभी वर्गों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन का स्तर समान रूप से है? अर्थशास्त्र को में डॉक्टर मार्शल ने इस पे ध्यान दिया है मानव कल्याण को लेके। अब आते हैं प्रोफेसर पीगू ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को और व्यापक करके इसमें उन सभी भौतिक एवं गैर भौतिक पदार्थों को शामिल किया है जिनका मौद्रिक मूल्य होता है और जो कीमत प्रणाली में शामिल होती है। भौतिक सभी हम जानते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उनको हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें हम भौतिक रूप से तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे मानव जीवन के लिए वो बहुत उपयोगी होती है और हर जगह उनकी जैसी आवश्यकता होती है उसका मनुष्य उसको अपने जीवन में उपयोग करता है, जिनका मौद्रिक मूल्य होता है और उन वस्तुओं का कुछ मूल्य होता है जिनको हम कुछ कीमत देकर खरीद सकते हैं। अपने जीवन के लिए उपयोगी जितना महत्वपूर्ण वो वस्त्र हो तो उस हिसाब से हम उसकी कीमत अदा करते हैं और उसको अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाते हैं, और वह और जो कीमत यानी कीमत प्रणाली में शामिल यानी कि जो बिकने के लिए वह वस्तु रहती है और उसको मानव उचित पैसा देके उसका दाम देके मूल्य देके उसको खरीद लेते हैं अपने लिए। अब प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का उद्देश्यों तथा सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है। यहाँ मानव व्यवहार का, मानव अपने जीवन में जो भी क्रिया कार्यकलाप करता है, जो भी गतिविधियां करता है, वो अपने एक उद्देश्य होता है उसका, उसके अनुसार अपनी क्रियाओं को संचालित करता है, सीमित और अनेक संचालित करता है, और ये भी ध्यान रहता है, उस बात का ध्यान रखता है कि हमारे लिए जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, और उस सीमित संसाधन का हम अपने जीवन के लिए जीवनोपयोगी अपने उद्देश्यों के अनुरूप कितना अधिक सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और इन्हीं के बीच जो संबंध बना के वो अपनी क्रियाओं को संचालित करता है, इसी को ही हम वो प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन के रूप में देखते हैं। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र के इतिहास पर विचार करते हैं कि अर्थशास्त्र का मनुष्य ने या अर्थशास्त्रियों ने या विद्वानों ने किन रूपों में या विभिन्न कालखंडों में विभिन्न समयावधियों में जब समय बीतता गया उस हिसाब से अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ है, इस पर हम विचार करते हैं। तो हम प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक विचार और सिद्धांत, राजनीति शास्त्र,
नैतिक तर्कशास्त्र नैतिकता और धर्म के सम्मिलित स्वरूपों से विकसित हुए। समयोपरांत धीरे धीरे मनुष्य प्रत्यक्ष और शुद्ध आर्थिक गतिविधियों में यानी अर्थशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन करना प्रारंभ किया। और जब हम अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक विकास पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि हम अर्थशास्त्र को विभिन्न कालखंडों के क्रम में तीन मुख्य भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं। पहला है आर्थिक क्रियाओं के प्रारंभ का काल, जिसका कि समय अवधि आप देख सकते हैं 4000 से 1000 ईसा पूर्व है। फिर उसके बाद दूसरा आता है आर्थिक विचारों का उदीयमान काल, इसको यदि हम कालखंड के अनुसार देखें तो ये 800 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईस्वी तक इसका कालखंड माना जाता है। फिर उसके बाद तीसरा आता है आर्थिक विचारों की परिपक्वता और आर्थिक सिद्धांतों के सृजन का काल, जो कि 1600 ईस्वी के बाद से प्रारंभ माना जाता है। तो यदि जो अर्थशास्त्र का वर्तमान स्वरूप है जो हम अभी अध्ययन करते हैं वो इसी कालखंड से संबंधित है। अब हम विस्तृत से चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक विकास के विभिन्न कालखंडों के अनुसार। जैसे अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में पहले विचार आया कि नहीं अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको कुछ सही तरीके से उसका अध्ययन हुआ। तो पहला जो हमारे सामने आता है वो पहला कालखंड जो अभी था ऐतिहासिक, वो ऐतिहासिक क्रियाओं के प्रारंभ का काल। तो ऐतिहासिक क्रियाओं का प्रारंभ कांस्य युग, जिसका समयकाल 4000 से 250 ईसा पूर्व से माना जा सकता है, जिसमें तत्कालीन चार प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं रहा है, जिसमें पहला है सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका हम समय खंड देख रहे हैं 4500 से 1900 ईसा पूर्व है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है बेबीलोनिया की सभ्यता, जिसका कालखंड है 3500 से 2500 ईसा पूर्व। फिर तीसरे कालखंड पे हम आते हैं, तीसरे पे जो तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसका कालखंड है 3300 से 1030 ईसा पूर्व। चौथे पे है मिस्र की सभ्यता, लगभग 3100 से 2000 ईसा पूर्व। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभ्यता युग को मूलतः आर्थिक क्रियाओं के प्रारंभ का काल माना जा सकता है, यानी सभ्यता युग में ही मनुष्य ने जब जीवन प्रारंभ हुआ तो मनुष्य ने उसी समय महसूस किया कि जो हम ये गतिविधियां कर रहे हैं, जो भी चाहे अपने भोजन के लिए, रहन सहन के लिए, तो इनको हम एक व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या इसका हम लिखित रूप में या वैचारिक रूप में हम इसको व्यवस्थित ढंग से संतुलित करके, पहले से इसकी तैयारी करके, इसकी एक रोड मैप तैयार करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का जो मूल है, प्रारंभ है, जब मानव के मस्तिष्क में विचार आया कि हम अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, तो वो यही कालखंड है सभ्यता युग को माना जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रारंभ काल, जो 4000 से 250 ईसा पूर्व से कह सकते हैं हम कि मानव के मन में पहली बार आया कि अर्थशास्त्र का हम एक विषय के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है कालखंड, कालखंडों के अनुसार दूसरे क्रम पे जो आता है आर्थिक विचारों का उदीयमान काल। इस काल को आर्थिक इतिहास के दृष्टिकोण से मुख्यतः तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला जो है प्राचीन ग्रीस, जिसका समय खंड है 800 बीसी से 300 बीसी। अर्थव्यवस्था की अवधारणा, पहली बार ग्रीक दार्शनिक सेनोफोन ने अपने महत्वपूर्ण लेखन कार्य ओ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत की है, जहां उन्होंने घरेलू प्रबंधन और कृषि के महत्व पर चर्चा की है। तो घरेलू प्रबंध, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मानव जब प्रारंभिक सभ्यता युग में था तो उसके पास ना तो आधुनिक जीवनोपयोगी संसाधन थे, ना ही इस तरह की सुख सुविधाएं थी। वो पत्थरों जंगलों में रहता था, जो जहां पेड़ पहाड़ी, जहां आवास उसको लगता था यहां सुविधाजनक है, मैं यहां रात काट सकता हूं, वहीं वो रह जाता था। तो उस समय कोई व्यवस्थित उनका घर आवास तो था नहीं, अपने यहां पे महत्व पर चर्चा की है। तो उस समय प्रकृति से जो हमें मिल जाता था वही खाते थे, जो बीज होते थे बरसात में बारिश होने के कारण या ऐसे नमी पाकर जो उग जाते थे, उनमें जो खाने लायक होता था उनको मनुष्य खा लेता था, उन्हीं से जीवन यापन करता था। तो कृषि के तब इससे जब जिससे उसका पेट भरता था, तो कृषि से जो उत्पादन होता था, मनुष्य ने कृषि तो समझा कि कृषि ही हमारे लिए सर्वोपयोगी है और इसी से हमारा जीवन चलता है। उस समय इतना ज्ञान था तो उसी हिसाब से मनुष्य अपने जीवन को संचालित करता था। फिर इसी में दूसरे नंबर पे आता है मध्ययुगीन यूरोप, जिसका समय खंड है 1100 से 1500 ईस्वी। इस
यहाँ पे कह सकते हैं अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं एक चिंतन के रूप में आने लगा था विषय के रूप में। तो इस अवधि के दौरान अधिकांशतः आर्थिक विचार और सिद्धांत कैथोलिक चर्च की दानशीलाओं, चैरिटी और न्याय संगत मूल्य की अवधारणा पर आधारित थी। फिर आर्थिक विचारों का उदीयमान काल में हम जब तीसरा कालखंड है वो है यूरोपीय पुनर्जागरण काल, जिसका समय अवधि है 1400 से 1600 ईस्वी। इस अवधि के आर्थिक विचार प्रमुखता निकोलो मैकियावेली और फ्रांसिस्को गुइकियार्डी जैसे विचारक, जिन्होंने आर्थिक शक्ति की महत्ता और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर बल दिया। अब मनुष्य शासक के रूप में अपने आप को जानने लगा था, तो आर्थिक शक्ति की महत्ता तब वो समझने लगा था कि हम अपनी शक्तियों को कैसे विस्तार करें, अपने साम्राज्य को, अपने परिवार को और कैसे विकसित कर सकते हैं और विस्तार कैसे कर सकते हैं। और इसमें उसने ने शासक यानी राज्य की भूमिका पर बल दिया। उसने कहा कि हम अपने निवासियों के लिए, उसने ऐसी विचार किया कि हम अपने निवासियों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं जिसको उनको जीवन जीने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए सुविधा हो, भटकना ना पड़े। तो इसमें राज्य भी विचार करने लगा था, अब अपने नागरिकों को सुख सुविधाएं देने लगा था। फिर उसी में अब हम तीसरे कालखंड की शुरुआत कहीं ना कहीं दूसरे से ही हो जाती है, आर्थिक विचारों के उदीयमान काल से ही, जिसको बुलियनवाद कहते हैं। प्रमुखता तो ये तीन थी लेकिन उसमें हम चौथा भी एक ले लेते हैं, इसे वणिकवाद यानी अगला जो तीसरा है, आर्थिक विचारों की परिपक्वता और आर्थिक सिद्धांतों के सृजन का काल, के शुरुआत काल का हम कह सकते हैं वणिकवाद की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है, जो कीमतों, धातुओं और सिक्कों की मात्रा को ही वास्तविक धन संपत्ति समझती थी। यानी कि उस समय यह समझा जाता था कि जिस भी देश में या राष्ट्र में जितना अधिक व्यापार होता है, लेन देन होता है, वस्तुओं की खरीदारी होती है, उसके पास जितना धातु है, धातु सोना चांदी है, और उसके पास जितना पैसा है, उस राष्ट्र को उतना ही शक्तिशाली और संपन्न समझा जाएगा। ये वणिकवाद की शुरुआत हो जाती है यहां से तीसरे कालखंड की। अब हम आते हैं आर्थिक इतिहास के दृष्टिकोण से, जब हम विकास अर्थशास्त्र के विकास पर ध्यान देते हैं, उसमें जो तीसरा कालखंड है वो आर्थिक विचारों की परिपक्वता और आर्थिक सिद्धांतों के सृजन का काल। इस काल को निम्न प्रकार से बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं, समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने दूसरे में ही बता दिया था, बुलियनवाद में ही, कि यहां से वणिकवाद की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें पहला है वणिकवादी विचारधारा। वणिकवाद का संस्थापक थॉमस मून को माना जा सकता है, जो लगभग 1571 से 1641 ईस्वी के दौरान उन्होंने इस पर कार्य किया है। और वणिकवाद से उस आर्थिक विचारधारा से जो पश्चिमी यूरोप के देशों में, विशेषकर फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में 16वीं और 17वीं सदी के मध्य में प्रसारित हुआ, और यह 18वीं शताब्दी के मध्य तक इसका विकास हुआ है, जो इस संकल्पना पर प्रमुखता आधारित थी कि किसी देश की आर्थिक शक्ति उसकी संपत्ति यानी उसके पास संग्रहित सोने और चांदी की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी किसी देश के पास जितना ही संसाधन के रूप में सोना, चांदी, रुपया, पैसा है, हम उस देश को उतना ही शक्तिशाली और संपन्न मानेंगे, और वहां के नागरिकों या निवासियों को उतना ही खुश मानेंगे। और उन्होंने बताया कि किसी देश की आर्थिक शक्ति उसकी संपत्ति यानी उसके पास संग्रहित सोने और चांदी की मात्रा पर निर्भर करती है। फिर उन्होंने अपने दूसरी बात उन्होंने बताई कि व्यापार पुनः सोने और चांदी की मात्रा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि कोई देश जितना ही अधिक व्यापार अपने देश में दूसरे देशों के साथ करता है, उसके पास उतना ही धन संपत्ति और पैसा आता है, और वह देश उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। तो इस दौरान उस देश को ही शक्तिशाली या संपन्न या माना जाता था जिसके पास जितना ही अधिक रुपया, पैसा और अन्य देशों से वो व्यापार करता था। फिर इस काल में हम तीसरे पे आते हैं, तो वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कृषि उत्पादन की कुछ सीमा तक वृद्धि होने के बाद, आर्थिक दृष्टि से कुछ सीमा के बाद अनुत्पादक हो सकती है, पर उद्योगों, व्यवसाय या वाणिज्य व्यापार के वृद्धि और विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यानी हम जितना भी व्यापार करना चाहे उतना कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ये नहीं है कि हमारे संसाधन समाप्त, जैसे भूमि पे है तो भूमि कुछ सीमा के बाद हम बंध जाते हैं कि नहीं हमें इतना ही यूज करना है, या अन्य संसाधन है सोना है तो हम ये जानते हैं कि हम इतना ही हम यूज कर पाएंगे, इसके बाद सोना हमारे पास नहीं है। लेकिन कृषि और कृषि विस्तार की उत्पादन की आर्थिक वृद्धि की एक अवस्था के बाद वो आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक भी हो सकती है, लेकिन व्यापार की कोई सीमा नहीं है। औद्योगिकरण से और व्यापार की नियमित वृद्धि से
वृद्धि से देश सोना चांदी प्राप्त कर समृद्धि और शक्तिशाली होगा। हमारे पास जो सोना चांदी है उसको हम इस्तेमाल करने की एक समय अवधि के बाद वो हमारे पास समाप्त हो, लेकिन यदि हम अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं तो और व्यापार करते हैं और हम उससे जितना चाहेंगे जितना व्यापार करेंगे उतना ही हमारे पास सोना चांदी आएगा और हम उतने ही शक्तिशाली होते जाएंगे। इस समय के जो मुख्य विचारक थे उनमें है अर्थशास्त्री एंटोनियो सेरा और थॉमस मून। अब आर्थिक विचारों की परिपक्वता आर्थिक सिद्धांतों के सृजन के काल में जो दूसरा विकास खंड में अर्थशास्त्र के विकास में जो दूसरा है वह प्रकृतिवादी विचारधारा फिजियोक्रेट्स, इसका समय अवधि है 1750 से 1776 है। तो हम देखते हैं कि फ्रांसिस कोयने को फिजियोक्रेसी या प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है जिसका अर्थ है प्रकृति की सरकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है प्रकृतिवादी विचारधारा, यानी इसका अर्थ इन्होंने कहा है प्रकृति की सरकार। प्रकृतिवादी यह मानते थे कि इस समय के जो विचारक थे वो मानते थे कि राष्ट्रों की संपत्ति पूरी तरह से कृषि भूमि से उत्पन्न होती है, अतः कृषि उत्पादों की कीमत सर्वाधिक होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, वणिकवादी कहते थे कि कोई देश जितना ही व्यापार करता है कृषि उत्पादन की एक सीमा के दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक हो सकती है, लेकिन व्यापार और वाणिज्य की कोई सीमा नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि मानते थे कि राष्ट्रों की संपत्ति पूरी तरह से कृषि भूमि से उत्पन्न होती है, अतः कृषि उत्पादों की कीमत सर्वाधिक होनी चाहिए। प्रकृतिवाद अर्थशास्त्र की ऐसी पहली स्थापित विचारधारा थी जिसने श्रम को मूल्य के एकमात्र स्रोत के रूप में, यानी प्रकृतिवादियों ने कहा कि कृषि भूमि से उत्पन्न होते राष्ट्रों की संपत्ति, यानी वो देखते थे कोई देश जितना कृषि कर ले रहा है जितना अन्न उपजा ले रहा है कृषि भूमि का जितना उपयोग कर ले रहा है वह देश उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की कीमत जो है वो सर्वाधिक होनी चाहिए। और प्रकृतिवाद अर्थशास्त्र की ऐसी पहली स्थापित विचारधारा है जिसने श्रम को मूल्य के एकमात्र स्रोत के रूप में माना। प्रकृतिवादियों के अनुसार समाज में केवल कृषि श्रमिकों ने उत्पादों में मूल्य का सृजन किया है, सभी औद्योगिक और गैर कृषि श्रमिक अनुत्पादक है। उन्होंने किसानों की प्रशंसा की। इनमें देखते हैं तो प्रमुख है फ्रांसिस कोयने, एन ए रॉबर्ट। तो हम देखते हैं कि इन्होंने उद्योग को उतना महत्व नहीं दिया, औद्योगिक व्यापार या वाणिज्य को उतना महत्व नहीं दिया, इनके लिए इन्होंने कृषि को ही प्रमुख रूप से प्रमुखता दी और कृषि में कार्य करने वाले श्रमिकों की बहुत प्रशंसा की। फिर उसके बाद तीसरे कालखंड में हम आते हैं आर्थिक विचारों की परिपक्वता आर्थिक सिद्धांत सृजन काल का तीसरा जो है वो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है या स्मिथियन अर्थशास्त्र 1776 से 1850 है। इसकी शुरुआत 1776 से एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन से माना जाता था। इस समय के प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस और डेविड रिकार्डो को माना जाता है। चौथे नंबर पे है परंपरावादी विचारधारा जिसका कालखंड है 1776 से 1890 ईस्वी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र, परंपरावादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था, स्मिथियन अर्थशास्त्र या राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि एक विचारधारा है जो बड़े पैमाने पर स्व विनियमन प्रणालियों के रूप में बाजार अर्थव्यवस्था के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो आर्थिक उत्पादन और विनिमय के प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। एडम स्मिथ ने इस प्राकृतिक नियम को प्रकृति के दो अदृश्य हाथ के रूप में चिन्हित किया। हेनरी जॉर्ज को अंतिम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं हम पांचवें नंबर पर, तो पांचवें नंबर पर है समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद या मार्क्सवादी अर्थशास्त्र भी इसको कहते हैं राजनीतिक आर्थिक विचारों की एक गैर परंपरावादी, यानी अभी तक जो चलती आ रही थी विचारधारा अर्थशास्त्र के संबंध में कि अर्थशास्त्र ये है, अर्थशास्त्र को हम ऐसे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इन विषयों का अध्ययन करते हैं, से उनसे विषम विपरीत या विषम धारा है। मार्क्सवादी अर्थशास्त्र पूंजीवाद में संकट के विश्लेषण से उत्पन्न होता है। यह विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में अधिशेष मूल्य, श्रम का शोषण, उत्पादन प्रक्रिया, औद्योगिक सेना की भूमिका और इसके वितरण की प्रक्रियाओं, वर्ग संघर्ष के प्रभाव के द्वारा अंततः पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की व्याख्या कर। इस समय के प्रमुख अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स, अलेक्जेंडर बरन, रॉबिन हेनेट आदि थे। छठवें नंबर पे आता है नौ परंपरावादी विचारधारा जिसका समय काल 1871 से 1929 एडी। न्यू क्लासिकल शब्द मूल रूप से थोरस्टीन वेवलेन द्वारा 1900 में प्रकाशित अपने लेख आर्थिक विज्ञान की पूर्वधारणा
प्रीकंसेप्शंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में प्रस्तुत किया गया था। न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का वह दृष्टिकोण है जिसमें वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन उपभोग मूल्य निर्धारण को आपूर्ति और मांग मॉडल द्वारा विश्लेषित किया जाता है। इसके अंतर्गत चार मुख्य विचारधाराएं शामिल की जाती हैं जो समकालीन रूप से अलग अलग उत्पन्न हुई। न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्र को हम इस तरह से देखते हैं, पहला है सीमांत क्रांति या नियतिवाद, फिर है ऑस्ट्रियन विश्वविद्यालय की आर्थिक विचारधारा, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की आर्थिक धारा, फिर शिकागो विश्वविद्यालय की आर्थिक विचारधारा। न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में हम देखते हैं तो उनमें प्रमुख है कार्ल मेंगर, विलियम स्टेनली, जेवोन्स, लियोन वालरा, मार्शल, जॉन हिक्स, जॉर्ज स्टिगलर और जॉन बेट्स क्लॉर्थ थे। सातवें नंबर पर आर्थिक विचारों की परिपक्वता, आर्थिक सिद्धांत सृजन का जो सातवां अर्थशास्त्र के विकास क्रम में हम देखते हैं तो उसमें है सातवां है किन्सियन विचारधारा, जिसका केन्सियन विचार था 1936 से 1945 के दौरान महामंदी ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 39 के दौरान किन्स द्वारा 1936 में लिखी गई पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड मनी से केन्सियन अर्थशास्त्र की उदय हुआ है। केन्सियन क्रांति समग्र अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को निर्धारित करने वाले कारकों से संबंधित आर्थिक सिद्धांत का एक मौलिक पुनर्लेखन था जो क्लासिकल और नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के समग्र आपूर्ति पर केंद्रीय विश्लेषण के बिल्कुल विपरीत था। यह अल्पकाल सरकारी हस्तक्षेप, समग्र मांग, प्रभावी मांग, गुणक, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, किफायत विरोधाभास या बचत विरोधाभास, तरलता जाल आदि की अवधारणा पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि पार्श्विक प्रवृत्ति वह सहज प्रवृत्ति है जो मानव व्यवहार को प्रभावित और निर्देशित करती है, जैसे उपभोक्ता आत्मविश्वास या निराशावाद। पार्श्विक प्रवृत्ति के जैसा कि केन्स ने बताया है कि पार्श्विक प्रवृत्ति होती है जिसमें हम यह विचार करते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो आर्थिक गतिविधि संचालित कर रहे हैं, वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, क्या इससे हमें भविष्य में लाभ होगा कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये पार्श्विक प्रवृत्ति जो उपभोक्ता, अगर यदि उपभोक्ता इस पूरे क्रियाकलाप को मन में चिंतन करता है और पाता है कि भविष्य में हमें इससे आर्थिक लाभ होगा या ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा, तो वो आर्थिक गतिविधियां संचालित करता है और नहीं तो वो वहीं पे, और यदि वो पाता है कि नहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा तो वहां पे हतोत्साहित होकर उस आर्थिक क्रिया को रोक देता है। अतः पार्श्विक प्रवृत्ति है जो मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करती है। आठवें नंबर पर हम आते हैं नव केन्सियन अर्थशास्त्र, इसका कालखंड है 1945 से 1973। नौ प्रतिष्ठित एवं किन्सियन संश्लेषण, वास्तव में नौ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का एक अकादमिक आंदोलन और नया प्रतिमान था जिसने किन्स के व्यापक आर्थिक विचारों को नौ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के साथ मिलाकर नई समस्याओं को सुलझाने में काम किया। इस विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री जॉन हिक्स, फ्रेंको मोदिग्लियानी, पॉल सैमुएलसन, जेम्स टोबिन और डॉन पेटिनकन थे। नव केन्सियन अर्थशास्त्र 1950, 60 एवं 70 के दशक में समाज अर्थशास्त्र पर छाया रहा, यही आगे चलकर मुख्य अर्थधारा का समष्टि अर्थशास्त्र बन गया। नौवां नंबर है जो विकास का आर्थिक विचारों का इतिहास और आर्थिक सिद्धांतों के सृजन के काल में आते हैं। नौवें नंबर जो अर्थशास्त्र का विकास क्रम है उसमें हम पाते हैं नव मार्क्सवाद को, जिसका समयखंड है 1966 से 1980। 1960 एवं 1970 के दशक में एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन था, न्यू लेफ्ट या नया वामपंथ, इसी आंदोलन से नव मार्क्सवाद भी निकला, परंतु अर्थशास्त्र में इसकी शुरुआत 1966 में मोनोपोली कैपिटल NSA ऑन द अमेरिकन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर के प्रकाशन से मानी जाती है। नव मार्क्सवाद या नव मार्क्सियन अर्थशास्त्र की दो मुख्य धाराएं हैं जिसमें पहली है समृद्ध अर्थशास्त्र और दूसरी है औद्योगिक अर्थशास्त्र। वी इस विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री माइकल क्लेस्की, पॉल एबरन और पॉल स्विजी थे। दसवां है मुद्रावाद मॉनिटरी, इसका समय है 1968 से 1900। मुद्रावाद मूलतः मौद्रिक अर्थशास्त्र की वह विचारधारा है जो प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को नियंत्रित करने में सरकारों की भूमिका पर बल देती है। मुद्रावाद यह मानता है कि मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव अल्पावधि में राष्ट्रीय उत्पादन पर और दीर्घावधि में मूल्य स्तर पर प्रमुख रूप से पड़ता है। मुद्रावादियों का कहना है कि मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः मुद्रा आपूर्ति के दर को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमैन, अन्ना स्वार्ट और कार्ल ब्रूनर थे। ग्यारहवें नंबर पर है पूर्वपक्षी अर्थशास्त्र, इनका कालखंड 1975 से 1980। पूर्वपक्षी अर्थशास्त्र 1970 के दशक के निष्पंद स्थिति, निष्पंद स्थिति वह होती है जहां पे बेरोजगारी और मुद्रा स्थिति
दोनों अपने वृद्धि की अवस्था में रहती है, चरम पर रहती है, यानी एक तरफ तो लोग बेरोजगार रहते हैं, दूसरी तरफ वस्तुओं सेवाओं का मूल्य भी तेजी से बढ़ता है, तो उसको हम निष्पन्द स्थिति या स्टैगफ्लेशन कहते हैं, के प्रत्युत्तर में विकसित हुआ था। पूर्ति पक्षीय अर्थशास्त्र एक व्यापक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि करों को कम करके, विनियमन व कानूनों को कम करके और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को प्रभावी ढंग से प्रेरित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें केवल अपने देश के अंदर व्यापार नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी हमें व्यापार की शर्तों को लिबरल करना चाहिए, उदार करना चाहिए, ताकि अन्य देश भी आए और व्यापार करें। प्रेरित किया पूर्ति पक्षीय अर्थशास्त्र के एक समर्थक ब्रूस बार्टलेट ने इसे इब्न खल्दून, डेविड ह्यूम, जोनाथन स्विफ्ट, एडम स्मिथ और अलेक्जेंडर हैमिल्टन के विचारों से भी प्रेरित बताया है। 12वें नंबर पे अभिनव परंपरावादी अर्थशास्त्र, इसका समय है 1976 से 1990। अभिनव परंपरावादी अर्थशास्त्र का मानना है कि अर्थशास्त्र के विकास हेतु बाजारों को मुक्त करना चाहिए, जैसा कि इससे पहले भी चर्चा हो गया कि हमें अन्य देशों के लिए अपने व्यापार की शर्तों को उदार करना चाहिए ताकि अन्य देश आए हमारे साथ व्यापार करें और हमारी आर्थिक शक्ति मजबूत हो और हम आर्थिक दृष्टि मजबूत हो चाहिए, बाजारों को मुक्त करना चाहिए। उद्यमशीलता, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी हमें अपने ऐसे व्यापार कानून बनाना चाहिए जिससे उद्यमी निवेश करने को प्रोत्साहित हो, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण करना चाहिए, जैसा कि वर्तमान समय में भी अभी सारे देशों ने अन्य देशों के लिए अपने व्यापार के नियम और कानूनों को अपनी निजी जो संपत्ति है उसका विनिवेशीकरण शुरू कर दिया है, उसमें से राज्य की सहभागिता को थोड़ा थोड़ा कम करने लगे हैं, तो स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण करना चाहिए और श्रम बाजारों जैसे कि ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघों की शक्तियों को कम करने में सुधार करना चाहिए। अभिनव परंपरावादी प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट लुकास, थॉमस सर्जेंट, नील वालेस, एडवर्ड प्रेस्कॉट आदि हैं। 13 नंबर पे आर्थिक विचारों की परिपक्वता, आर्थिक सिद्धांतों के सृजन काल में अर्थशास्त्र के जो हम विकास खंड में देख रहे हैं तो उसमें 13 नंबर पे आता है अभिनव कीन्सियन अर्थशास्त्र। अभिनव कीन्सियन अर्थशास्त्र जिसमें पहली बार प्रतिरोधी सूचनाओं जैसे प्रतिरोधी कीमतें और प्रतिरोधी मजदूरी दर का मॉडल प्रस्तुत किया गया। स्टैनली फिशर ने 1977 में थॉमस जे संजय सार्जेंट और नील वालेस के मौद्रिक अप्रभावशीलता के प्रस्तावना के प्रत्युत्तर में दर्शाया कि तर्कसंगत अपेक्षाओं या विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं वाले मॉडल में भी अर्थव्यवस्था को संस्थिति में लाया जा सकता है। इस विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री फिशर, जानवी टेलर और रसेल कूपर थे। अब 14 नंबर पे हम देखते हैं उत्तर कीन्सियन अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं। उत्तर कीन्सियन अर्थशास्त्र शुद्धतम रूप से केवल कीन्स के विचारों और अवधारणाओं के आलोक में समष्टि आर्थिक सिद्धांतों के पुनर्निर्माण का प्रयास है। उत्तर कीन्सियन अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक मूल प्रभावी मांग का सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक को मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को नियंत्रित न करके अपितु मौद्रिक भंडार की मात्रा का प्रबंधन कर ब्याज दर को नियंत्रित करना चाहिए। इस विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री निकोलस कार्लर, हाइमन फिलिप, माइकल क्लेस्की थे। अब हम आते हैं 15 नंबर पे विकास है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र वर्तमान दौर में विश्व अर्थव्यवस्था में जो चल रहा है वो उसको हम नव उदारवाद या कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, जिसको नियो लिबरलिज्म कहते हैं, जिसको 1983 से 2009 या कह सकते हैं अभी तक भी वो चल रहा है, या अभी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो है उसको नव उदारवाद हम कह सकते हैं। नव उदारवाद शब्द का समकालीन बाजार उन्मुख सुधार नीतियों के लिए किया जाता है, जैसे कि मूल्य नियंत्रण या प्रशासित मूल्य नीति को समाप्त करना, पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाले कानूनों से मुक्त करना, व्यापार बाधाओं को कम करना, निजीकरण और राजकोषीय संयम नियंत्रण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, जैसा कि विनिवेश और ऐसे व्यापार शर्तें बनाना जिससे अन्य देश हमारे यहाँ निवेश करने के लिए, व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित हो, और सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत जो उद्योग हैं उनमें कहीं ना कहीं निजी प्राइवेट क्षेत्रों के लिए खोला जाए, उसमें सरकार की कुछ सहभागिता धीरे धीरे कम कर दी जाए, और ऐसे ही बातों पे विचार किया जा रहा है इस समय, जो नव उदारवाद के अंतर्गत आता है। और इसको कहते हैं कि यह जो आमतौर पर है यूनाइटेड किंगडम में मार्गरेट थैचर जिनकी नीतियों में ऐसे विचार देखने को मिले, जिसे थैचरवाद कहते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में रोनाल्ड रीगन जिसे रीगनवाद कहते हैं, इन्होंने ऐसी ही नीतियों को अपने देश की अर्थव्यवस्था में संचालित किया और अभी ये इन्हीं नीतियों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, आर्थिक नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।